दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोहित झिंझुरके और नीता सिलिमकर को कंपेयर करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा फेमस और अमीर है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीता सिलिमकर की। तो नीता सिलिमकर का जन्म 5 अप्रैल 1995 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ था। नीता सिलिमकर इस टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रही हैं। अगर बात करें इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तो नीता सिलिमकर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 1.13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब हम बात करते हैं कि नीता सिलिमकर महीने का कितना कमाती हैं। तो दोस्तों, नीता सिलिमकर अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम से मिलाकर महीने का 2 से 3 लाख रुपए तक आराम से कमा लेती हैं और इनका जो टोटल नेटवर्थ है वह है 1 करोड़ रुपए के आसपास। अब हम बात करते हैं रोहित झिंझुरके के बारे में। तो रोहित का जन्म 9 अप्रैल सन 2000 को सूरत में हुआ था। अगर बात करें इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 14.1 मिलियन फॉलोअर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 2.39 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब हम बात करते हैं कि ये महीने का कितना कमाते हैं। तो रोहित अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलाकर महीने का 3 से 5 लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं और इनका जो टोटल नेटवर्थ है वह है 1 करोड़ रुपए के आसपास। तो दोस्तों, ये थी नीता सिलिमकर और रोहित झिंझुरके की कंपेयर वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।